सो ही गेमर के आप सब, मेरा नाम है सेंड। आप देख रहे हो प्रोनेशन सो गेट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले करें फ्री फायर के बिल्कुल ब्रांड अपडेट के बारे में, जिसका नाम है सैनिटीज लैब इवेंट। तो बेसिकली यार, इस इवेंट में काफ़ी कुछ आपको खतरनाक से आइटम्स मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करें। एंड सॉरी फॉर दैट यार, वीडियो इतना लेट हो रहा है बिकॉज यार मैं थोड़ा ट्रैवल इशूज़ की वजह से वापस से इतना मतलब डिले कर दिया। तो यार उसके लिए हम सो सॉरी, बट कोई ना, अभी हम लोग फुल ट्राई करेंगे कि जल्दी जल्दी वीडियोज आए। तो चलो यार, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एंड लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो चलो यार, मैं आपको डायरेक्ट इवेंट सेक्शन में ले जाके दिखा देता हूँ कि कैसे ये इवेंट वर्क करता है। एंड गाइज, अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग लग रही हो तो यार प्लीज़ इग्नोर करना, बिकॉज यार मुझे थोड़ा सा फीवर हो रखा है, इस वजह से यार मतलब आवाज़ ऐसी आ सकती है। बट कोई ना, आई विल ट्राई कि बिल्कुल सही से बात करूं वीडियो में। तो बेसिकली इवेंट कुछ इस टाइप का है। इसमें गाइज सिंगल स्पिन है गाइज 10 डायमंड का। इसके अलावा 45 डायमंड्स में गाइज यहाँ पे 5 वाले स्पिन है। अब देखो यार, यहाँ पे मैंने 45 का किया, मेरे को एक गॉगल मिला, ठीक। तो आपको गाइज ऐसे ही स्पिन करना है, 45 वाले ही स्पिन करना है, सिंगल वाले में आपको गॉगल नहीं मिलने वाला है। तो आप 45 वाला डायमंड वाला आपको गाइज स्पिन करना पड़ेगा। एंड आपको टोटल निकालने गए जैसे 5 गॉगल्स, ठीक है। और ये 5 गॉगल्स निकालते निकालते गाइज आपके फट के 4 भी हो सकती है लिटरली। गाइज ये वाले इवेंट में जो सामने आपको मतलब स्पिन्स वाले जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, बिल्कुल ये फ्लिप वाले इवेंट की तरह, जो लास्ट टाइम एक फ्लिप इवेंट आया था, मेरे को याद नहीं आ रहा नेम सही से, बट जो भी यार वो फ्लिप इवेंट था जिसमें गाइज मैंने फ्लिप किया था, टोटल गाइज वो इवेंट मेरा 8,000 डायमंड मेरा ले लिया था। बट गाइज उसमें कुछ भी ढंग का नहीं मिला, मुझे मेल बंडल मिला ही नहीं, ओनली फीमेल बंडल मिला, जो यार मेरे आईडी पे तो यार 8,000 डायमंड में निकला, बट क्वीन के आईडी पे बिल्कुल सिंगल स्पिन में निकल गया। मतलब 50 डायमंड उसने स्पेंड किया, उसको मिल गया वही बंडल। मतलब सोच सकते हो गाइस कितना कितना कर रहा है यार अपना फ्री फायर, कितना गंदा काट रहा है। तो मेरे हिसाब से तो यार नहीं मिलने वाला, देख सकते हो मैं 45 वाले इतना स्पिन कर रहा हूँ अभी तक नहीं मिला। और डायमंड आप ऊपर काउंट करते रहना, देख सकते हो गाइस 4,500 डायमंड थे अभी कितने हो गए। एंड इसके बाद अभी देखना कितने कम होते हैं, ठीक है। 45 वाला स्पिन करेंगे बिकॉज सिंगल वाले में तो कुछ नहीं निकल रहा। और गाइस इसमें चाहो तो आप जो आइटम्स मिल रहे हैं ना, इनको गाइस आप रिप्लेस कर सकते हो फ्री स्पिन्स में, ठीक है। बट यार मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं सारे आइटम्स को गाइस अपने वॉल्ट में डालने का सोचा हूँ। तो चलो यार, अभी तो हाल फिलहाल इसको वो स्विच नहीं करेंगे, बिकॉज आप चाहो तो कर सकते हो फ्री स्पिन में स्विच। एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से आप चाहो तो सेंड टू इन गेम वॉलेट कर सकते हो या फिर एक्सचेंज फॉर फ्री स्पिन ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा भी होता है इसमें। एंड गाइस इसके अलावा चलो वापस हम लोग यार ट्राई करके देखते हैं, कुछ होता है वापस से करते हैं, मिलेगा नहीं यार ये नहीं देने वाले। देख सकते हो गाइस ऊपर 3,800, मतलब यार 3,700 हो गया। और अब जाकर गाइस सेकंड गॉगल मिल रहा है, मतलब मेरे को हंसी आ रही है यार कि कैसा इवेंट है भाई, क्या बना दिए। मतलब लास्ट टाइम जैसा ये वापस से टॉपअप वॉपअप नहीं करवा गया यार, वो मैजिक कार्ड या मैजिक ग्रिड करके इवेंट था, मेरे को सही से नेम याद नहीं आ रहा। बट गाइस उस इवेंट में मैंने 8,000 डायमंड्स लगाए थे केवल एक फीमेल बंडल के लिए, वैसे मेरे को लग रहा है इस पर भी लग सकता है, क्योंकि यार देख सकते हो इतने स्पिन्स मैंने कि अब जाकर गाइस केवल 2 मतलब मिला है। एंड पता नहीं कितना और टाइम लेने वाला है, बट ठीक है कोई ना, हम लोग ट्राई करेंगे, फुल ट्राई करेंगे, देखते गाइस निकाल के ही रहेंगे, ठीक है। और गाइस अगर आप लोगों को यार ना, आप लोग स्पिन करके देखना, अगर आपको मिलता है 45 के अंदर, ठीक, मतलब 500 डायमंड के आसपास आप कर सकते हो। अगर आपको गाइस मिलता है मतलब 5 के 5 तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो यार एटलीस्ट 3 भी मिलता है ना। तो गाइस जो ग्रेनेड की स्किन है ना थर्ड नंबर वाली, वो आप निकाल ही लेना, बिकॉज यार ग्रेनेड की स्किन लिटरली एकदम आग स्किन है गाइस, बहुत ही खतरनाक स्किन है। तो आप चाहो तो यार उसको निकाल सकते हो, ठीक है, बहुत ही अच्छी स्किन है, मैंने पर्सनली यूज़ किया है। एंड देख सकते हो गाइस यहाँ पे गॉगल एक और है, मतलब एक और गॉगल मिल गया, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो अभी बाकी है गाइस हम लोग का केवल 2 गॉगल, एंड 2 गॉगल जैसे ही मिलेगा गाइस हम लोग को ये बंडल मिल जाएगा। और गाइस ऊपर मेरे डायमंड्स अभी बचे 3,000, मतलब यार अभी 1,500 डायमंड का पोपट हो गया है, अभी गाइस बचे 3,000 डायमंड और। तो चलो यार स्पिन करते रहेंगे 45 वाला, देखते गाइस मिलता है कि नहीं। और फालतू के आइटम्स अगेन कोई फ़ायदा नहीं यार, कुछ भी नहीं मिल रहा है ढंग का। सिंगल वाले में तो यार कभी नहीं मिलने वाला, कभी भी नहीं मिलने वाला। और जो 5 वाले स्पिन से गए जिसमें आप देख सकते हो खुद की फालतू के ओनली आइटम्स मिल रहे हैं, मतलब कुछ भी यार काम ही का नहीं। ये क्वेश्चन मार्क वाला फ्रेगमेंट क्या है पता नहीं, लिटरली बताऊँ तो यार ये वाला इवेंट बहुत ही बेकार इवेंट है। मतलब काट सकता है गाइस आपके सारे डायमंड्स। तो मेरे हिसाब से तो यार अगर आप ऐसे पर्सन हो जो ज़्यादा टॉप अप नहीं करता, तो यार एक टॉप अप मारना 400 वाला अगर करना ही है तो
400 का टॉप अप मारना, 500 डायमंड मिलेंगे गाइस, उसमें 500 डायमंड में स्पिन करना, सीधी सी बात है। उससे ज़्यादा ऊपर अगर डायमंड आपका ये मांगता है तो समझ लो कि आपका 3-4-5 हज़ार डायमंड लगने वाला है। बिकॉज यार लास्ट टाइम आपको पता ही है मेरे साथ क्या हुआ था, एंड अभी भी देख सकते हो गाइस यहाँ पे मेरे 4,500 डायमंड से 2,500 डायमंड्स हो गए, मतलब देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे लाइव चल रहा है बिल्कुल। एंड यार स्पिन करते करते मैं लिटरली पागल हो रहा हूँ, अभी मेरे को नहीं समझ आ रहा कब गॉगल मिलने वाला है। देख सकते हो यार एक भी स्पिन में गॉगल नहीं मिल रहा यार, कितना मारूं मैं, 5 स्पिन का 10 बार मार रहा हूँ, तो उसमें तो यार एटलीस्ट एक दे दो ना। नहीं लेकिन इन लोगों को देना 20-25 स्पिन में, और देख सकते हो अब जाकर मिला है, इतना गालियाँ देने के बाद मिल रहा है। अभी गाइज नीड ओनली 1 की, चलो देखते गाइज मिलता है कि नहीं। अभी यार बहुत ज़्यादा डायमंड खर्च हो रहा है, अभी बस बहुत हो गया फ्री फायर, प्लीज़ यार एक ओनली 1 चाहिए 1 चाहिए, एक दे दो ना जल्दी से, नहीं मिल रहा है। देख सकते हो गाइस एक भी स्पिन कर कितना भी कर लो ना मिलने वाला है नहीं, ठीक है 5 वाले स्पिन करके देख लो, इसमें भी नहीं मिल रहा यार। करूँ तो करूँ क्या, मैं समझ नहीं आ रहा यार, गुस्सा आता है मेरे को इन इवेंट्स पे। बिकॉज यार इसमें क्या करते हैं लोग, स्पिन इवेंट टाइप ला देते हैं, फ्लिप इवेंट ला देते हैं या फिर ऐसा कुछ, इसमें गाइस दबा के आपको फ्लिप करना है स्पिन करना है, बट आपको लास्ट मोमेंट पे घंटा कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ पे कोई लक परसेंटेज नहीं है, कोई चांस नहीं है, मतलब ये है वही पता नहीं कौन सा इवेंट ला रहा है, मतलब ये लोग खुद यूज़ नहीं करते या फिर क्या सोच के देते, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसको पूरा जोम्बी समुराई बना दिया यार, मतलब जोम्बी समुराई में भी सेम यही सीन है, आपको 50-50 के करते रहने पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, बट चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जोम्बी समुराई आएगा तो कितना भी डायमंड लग जाए 15,000-20,000 डज नॉट मैटर, मैं तो निकाल के रहूँगा। बट गाइज इस वाले बंडल को निकालने का मेन रीज़न ये है कि गाइज इसके हेयर्स मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आ गए, जैसे कि आपको पता होगा एक इनक्यूबेटर था और सॉरी डायमंड रॉयल था जिसमें गाइज हम लोग के गोल्डन हेयर्स थे, तो वो काफ़ी अच्छा हेयर था गाइज, तो मैंने वो वाला भी निकाला था, प्लस उसके अलावा फीमेल बंडल पे फायरी हेयर्स थे तो मैंने वो भी निकाला था। तो सीधी सी बात यार देखो, अगर मेरे को एक चीज़ भी पसंद आती है ना बंडल में, जो भी मेरे को खास लगे, या फिर गॉगल्स हो या फिर मास्क हो या फिर हेयर हो, यार मैं पक्का निकालने का फुल ट्राई करता हूँ, ठीक है मैं अपनी तरफ से फुल बेस्ट देने की ट्राई करता हूँ। अभी देखो इतने स्पिन्स मैंने कर दिए, 1,500 डायमंड हो गए, 4,500 से 1,500 डायमंड, मतलब इतना कट गया यार, और अभी तक केवल 4 ही गॉगल्स मिले, 5वां कब मिलेगा, नहीं मतलब क्या मजाक चल रहा है, कब मिलेगा 5वां गॉगल, यार हद होती है किसी चीज़ की, कितना स्पिन मारूं मैं यार, 1,500 डायमंड हो गए भाई, दे दो यार अब 1,400। मुझे लगता है यार ये लोग चाहते हैं कि डायमंड जीरो हो जाए, मतलब यार देख सकते हो स्टार्टिंग में मेरे कितने डायमंड, अभी कितने बचे यार, और मैं नहीं चाहता कि जीरो के बाद मैं वापस से टॉप अप मारूं यार, इतने ही डायमंड के अंदर निकाल दो भाई, कितना डायमंड यार इस बंडल में है ऐसा क्या, लोल भाई मिला अभी बहुत हो गया यार, बहुत टाइम बाद यार जाकर 5वां गॉगल मिला, मतलब 1,349 डायमंड, हद है भाई यार क्या बताओ, मैं फ्री स्पिन से एक भी नहीं चेंज किया, देख सकते हो 118 क्रेट्स है, तो 118 क्रेट्स नहीं है बेसिकली, 118 में से गाइस कुछ फ्रेगमेंट्स है कुछ क्रेट्स है, तो चलो इनको इन गेम वॉल्ट में सेंड कर देते हैं। अब बेसिकली यार मेरे को फ्री वाला आई थिंक कर लेना चाहिए था, बट मैंने सोचा चलो यार डायरेक्ट ऐसे क्रेट लेंगे वॉल्ट में, बट चलो कोई ना यार नहीं किया हम लोग फ्री वाला, तो चलो यार अभी हम लोग वॉल्ट में जाकर ही खोल लेते हैं डायरेक्टली खोलेंगे इस क्रेट्स वगैरह। तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे काफ़ी सारे क्रेट्स हैं, जिसमें गाइस M4A1 के क्रेट्स हैं, इसमें क्या कुछ है मतलब कुछ परमानेंट मिलेगा यार। इस वाले क्रेट में मेरे को एक चीज़ मस्त लगी कि ड्रैगन ऑफ स्किन है, जो काफ़ी अच्छी बात है, ड्रैगन ऑफ स्किन मैंने बहुत टाइम बाद देखी गेम के अंदर, बिकॉज इससे पहले और स्किन्स नहीं आती थी ड्रैगन ऑफ की, बट चलो एटलीस्ट ड्रैगन ऑफ मिला। एंड गाइस इसके अलावा ये सब में तो स्कैनर मिलने वाला है, मेरे को पता है भाई कुछ नहीं मिलेगा, स्कैनर ही मिलेगा सब तो अपने पे पहले से ही है यार, मतलब गिनी चुनी चीज़ें ही है ना जो कभी क्रेट मतलब आपको स्टोर में देखने को नहीं मिलेगा, वो सारे क्रेट्स वाले आइटम मेरे पे परमानेंट नहीं है, बाकी सारे आइटम्स परमानेंट है, मैं लू क्या, मेरे को ये समझ नहीं आता। देख सकते हो गाइस सब कुछ परमानेंट है, गोल्ड मिल रहा है बदले में मेरे को, गोल्ड पे गोल्ड और कुछ नहीं मिलने वाला, लोल भाई। और ये क्या है भाई, इसको निकाल के देखते हैं निकलेगा क्या, ओ भाई ये रेड वाला मिल गया, लोल टोपी भी मिल गई इसकी, यार ये वाला मेरे को नहीं चाहिए था, मेरे को दूसरा वाला चाहिए था, पता नहीं क्या कुछ मिल रहा है। चलो यार यहाँ पे आप देख सकते हो एक फार्मास का भी क्रेट है, फार्मास में VSS मिलेगा, नहीं मिला, ये गेम देना ही नहीं चाहता यार कुछ आज परमानेंट, आज अपने नसीब में लिखा ही नहीं है, बाकी जो पहले से परमानेंट है उसके बदले स्कैनर मिलेगा ही मिलेगा। और भाई सब है यार परमानेंट, मैं क्या निकालूँ, सब में स्कैनर ही मिलने वाला है मुझे पता है। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो M60 परमानेंट मिल गया भाई लास्ट में शायद से, गाइस M60 परमानेंट मिल गई, यस मतलब बहुत सही यार, एक M60 की परमानेंट स्किन मिली, ये भी MP40 पहले सही है, P90 भी पहले सही है, यार इसमें से MP5 निकाल दो ना मेरा,
MP5 नहीं मिला यार, चल गया रहा, MP5 तक नहीं दिया। शिवा वाले में भी सब परमानेंट है यार, कुछ नहीं है मतलब इसमें सब कुछ मेरे पास परमानेंट पहले से ही है, बस एक आख चीज़ें होती है ना जो वो परमानेंट नहीं है, बाकी सब मेरे पे परमानेंट है। तो यार बदले में स्कैनर और टोकन सी मिलने वाले थे, मुझे पता था। बाकी यार ये बंडल चलो मिल गया एटलीस्ट, और ये हेयर्स भी मेरे को मिल गया जो काफ़ी तगड़े हेयर्स है, लिटरली मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बट इसका मास्क मेरे को उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, फ्यूचर में शायद से ही काफ़ी डिमांड वाला मास्क हो जाएगा मेरे हिसाब से, रेयर आइटम है यार तो आपको ले लेना चाहिए बंडल। लिटरली इससे हार्ड बंडल्स बहुत ही कम गेम में आते हैं, और अभी टाइम है गाइस, अगर आप अभी ले सकते हो तो ले लो यार, बिकॉज ऐसे बंडल्स ना हर बार नहीं आते गेम में, और ये काफ़ी अच्छा है गाइस। इसके हेयर्स देख सकते हो आज काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मतलब आप इसके यहाँ पर कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यार देख सकते हो ये गोल्डन वाला पहले हेयर आ रखा था, ये भी एक रेयर आइटम है गाइस। आज के टाइम में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनको मिल जाए, बट काफ़ी सारे लोगों के पास नहीं है। और रही बात गाइस बैकपैक की स्किन्स की, तो मैं आपको स्किन्स भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, ये रहा गाइस बैकपैक की स्किन, एंड गाइस देख सकते हो 312 ऐसा कुछ करके। तो बैकपैक की स्किन एवरेज है, बहुत अच्छी नहीं है, बस एवरेज टाइप है। और पैराशूट की भी एक स्किन है जो एकदम ही घटिया है, मतलब लिटरली क्या बताऊँ मैं यार, इसके ऊपर एक स्कल का लोगो जो बहुत ही बेकार दिख रहा है। इसके अलावा गाइस एक सरबोर्ड की स्किन मिलती है जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई, देख सकते हो गाइस ये सरबोर्ड की स्किन, मतलब शक्तिमान वाला सरबोर्ड है, बट देख सकते हो काफ़ी अच्छा लगा। और वेपन में गाइस आपको मैं दिखा देता हूँ, कुछ वेपन्स हैं जो परमानेंट तो नहीं मिले बट हाँ कुछ दिनों के लिए मिल गए। और गाइस M60 आई थिंक परमानेंट हम लोगों को मिला था, मैंने जल्दी जल्दी में उसको हटा दिया, स्किप कर दिया था। तो चलो मैं आपको दिखाऊंगा M60 भी परमानेंट है या नहीं है। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो MP5 भी परमानेंट नहीं मिला, यार क्या बताऊँ, इतना गंदा किस्मत है ना अपना, MP5 तक परमानेंट नहीं मिला अपने को। बट कोई बात नहीं यार, अपने को एक बंडल मिल गया वो बड़ी बात है। और इसके अलावा गाइस बैकपैक की स्किन्स और सरबोर्ड ये सब भी मिला, तो ये भी सही है यार। और रही बात गाइस यहाँ पे और वेपन्स के बारे में, तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे ड्रैगन आउट की भी स्किन है जो ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं है बट जितने टाइम के लिए भी है, काफ़ी तगड़ी स्किन है, मतलब खास मेरे को परमानेंट मिल जाती बट यार बैड लक नहीं मिली। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पक्का निकालेंगे परमानेंट, अगर कोई क्रिएट इसका अवेलेबल होता है गाइज उसमें स्टोर के अंदर, तो पक्का निकालने का फुल ट्राई करने वाले हैं। और गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैं कितना स्क्रॉल करूँ, मतलब यहाँ तक मेरे को कुछ नहीं दिख रहा। और ग्रेनेड की स्किन गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह की है। तो चलो यार यही था आप लोगों का अपडेट, एंड आप कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड गाइज एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट कि यार वीडियो इतनी लेट हो गई, बिकॉज यार अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो आपको नहीं पता, मैं यार कुछ टाइम से काफ़ी ट्रैवल कर रहा था, तो ट्रैवलिंग के दौरान यार आपको पता है कि आप कहीं भी ऑडियो क्लिप तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, एंड केवल मैं आपको ऐसे स्पिन करके दिखा के, मतलब बैकग्राउंड में गाने बजा के तो नहीं अपलोड कर सकता, ये तो आपको पता ही होगा। तो इस वजह से वीडियो लेट हुई, तो आई एम सो सॉरी, बट यार चलो वीडियो को लाइक कर देना, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।